हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स, और आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है उसके स्थायी अवस्था का हल कैसे निकाला जाता है। देखिए, जो लास्ट टाइम हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकाली थी, तो उसमें हमारे पास एक इक्वेशन आई थी कि फाई टी, यानी कि जो टाइम डिपेंडेंट थी, फाइव टी इक्वल टू सी ई माइनस आई अपॉन में एच क्रॉस ई इंटू टी। अब देखिए, जो इक्वेशन थी हमारे पास, तो इसको यदि मैं किसी कण के पूर्ण तरंग फलन के रूप में अगर व्यक्त करूं, तो इसे हम लिख सकते हैं कि फाई साई आर इंटू आर टी, आर वेक्टर इंटू टी, यानी कि स्थिति और समय दोनों का तरंग फलन यही है, सी ई माइनस आई अपन में एच क्रॉस ई इंटू टी साई इंटू आर। यानी कि ये जो टाइम डिपेंडेंट है और ये स्थिति, इसको ऐड कर दूं तो एक कण का जो पूर्ण तरंग फलन हो जाएगा। इसे इक्वेशन वन दे देते हैं। और यदि हम जो सी है उसको जो नॉर्मलाइजेशन है यानी कि प्रसामान्यीकरण के लिए आवश्यक नियतांक में शामिल कर लें, यानी कि सी का मान यदि मैं वन कर दूँ जो प्रसामान्यीकरण में होता है, तो जो साई आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर टी इक्वल टू होगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई अपॉन में एच क्रॉस ई इंटू टी साई आर वेक्टर, इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास टू। और देखिए, जो तरंग फलन के लिए जो संगत अवस्थाएं होती हैं उसके लिए जो प्रायिकता घनत्व है, वो हम जो तरंग फलन है उसके मॉडुलस का स्क्वायर करके निकालते हैं। यानी कि यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं साई वेक्टर आर वेक्टर इंटू टी इक्वल टू साई आर वेक्टर इंटू टी, ये इस फॉर्म में होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं साई आर वेक्टर का होल स्क्वायर के रूप में, मॉडुलस के रूप में, जो कि क्या है कि प्रायिकता घनत्व है और इसमें टी कहीं नहीं आ रहा है, यानी कि ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो जो इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं जिसमें ये समय पे निर्भर नहीं करता, यानी कि जो स्थिति का प्रायिकता घनत्व है पी आर टी समय अनाश्रित है, तो ऐसी अवस्थाएं स्थायी अवस्थाएं कहलाती हैं। यानी कि जो साई आर टी है, जो हमारे पास तरंग फलन आया है, वो स्थायी अवस्था का हल है, और जो इसकी स्थायी अवस्था है ये टाइम इंडिपेंडेंट है, और जो श्रोडिंगर समीकरण होती हैं उसकी स्थायी अवस्था के लिए जो हल है वो कुछ सीमा प्रतिबंधों के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं। अब जो स्थायी अवस्थाएं हैं उनके लिए जो प्रेक्षणीय चर होते हैं, यानी कि जो स्थायी अवस्थाओं के लिए प्रेक्षणीय चर होते हैं, वो उनके जो संगत ऑपरेटर होते हैं उनका जो प्रत्याशा मान आता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है, वो समय पर निर्भर नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।